अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ लिसनर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बेसिकली मैं यूनिवर्सिटी में हूँ और आज स्टूडेंट्स नहीं आए थे, तो मैंने सोचा कि मौके का फ़ायदा उठाते हुए यहीं एक क्लासरूम में रिकॉर्डिंग शुरू कर देती हूँ। तो अगर आज थोड़ा सा माहौल आपको चेंज लग रहा है या पीछे से स्पैरोस की और बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, तो वो इसलिए होगा कि क्योंकि जगह ही चेंज कर ली है रिकॉर्डिंग के लिए। सो कमिंग बैक टू दी पॉइंट, एक तो अल्हम्दुलिल्लाह अगेन आप सबका शुक्रिया अदा करूँगी, क्योंकि अगेन मैं कहती हूँ कि इंसान अकेला कुछ नहीं होता, अकेला बंदा कुछ कर भी नहीं सकता, उसके सपोर्टर्स होते हैं, उसको प्यार करने वाले लोग होते हैं जो कि उसको इनक्रेज करते हैं और उसको कहाँ से कहाँ पहुँचा देते हैं। तो जी, आप सबका शुक्रिया अदा करना था, थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी। और अल्हम्दुलिल्लाह 5 मिलियन व्यूज़ क्रॉस कर गया मेरे चैनल, जो कि 50 लाख व्यूज़ से ऊपर चले गए हैं, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए। 1300 प्लस वीडियोस हैं जो कि आप लोग जब चाहें, लाइक बहुत सारे न्यू सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं तो उनको तो एक समुंदर मिलेगा ना। जो लोग शुरू से मुझे सुनते हैं, चलो उन्होंने तो वो सब सुन लिए, लेकिन जो लोग सब्सक्राइब करते हैं तो दे हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, वो उन तमाम नॉवल्स को सुने, यकीनन उनको बहुत 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 पसंद आएंगे। और अभी कुछ दिन पहले 10,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए थे, तो अब इसी तरह से आप लोगों ने मुझे इनक्रेज करना है। अगर आप देख रहे हों तो जूँ जूँ मेरी अचीवमेंट्स बढ़ती जा रही हैं, तो आप देख रहे हो कि मैं एक दिन का गैप भी नहीं लेके आती हूँ। इनफैक्ट डबल डबल एपिसोड्स, अभी थोड़े दिन पहले आपको ब्लैक मून, थोड़े ही दिनों में सारे उसके दोनों सीजन सुना दिए मैंने। तो ये चीज़ होती है, एक इनक्रेजमेंट होती है जो कि मुझे मिल रही है। अगर तो मैं ओबियसली ज़्यादा से ज़्यादा काम करूँगी, हालाँकि ये वो दिन हैं जिन दिनों मेरे स्टूडेंट्स के फाइनल एग्ज़ाम्स हो रहे होते हैं, और ये वो दिन हैं जब मैं ख़ास तौर से ब्रेक लेती होती थी, क्योंकि पूरा डे मेरा बहुत इंगेज रहता है इस सब में। उनका टेस्ट सेशन ले रही होती हूँ एंड ऑल दैट, फाइनल एग्ज़ाम्स की तैयारी करवा रही होती हूँ, गेस्ट प्रोवाइड कर रही होती हूँ, तो इस सब में मेरी रूटीन आम दिनों से ज़्यादा हेक्टिक होती है। और मेरे ख्याल से एक हफ़्ते बाद मेरी मार्किंग की ड्यूटी लग जाएगी बोर्ड ऑफिस में, तो वहाँ पर मुझे पेपर मार्किंग की ड्यूटी लगेगी, तो मुझे पूरा दिन वहाँ पर मेरा सर्व हो जाता है। बट स्टिल इस सब के बावजूद अगर मुझे अचीवमेंट नज़र आ रही है अपने चैनल पे, मुझे आप सबका बेतहाशा प्यार नज़र आ रहा है, तो मैं इस सब के बावजूद, देखो रात तो अपनी होती है ना, मैं पूरा दिन मसरूफ़ हूँ, लेकिन जब मैं घर आती हूँ ऑल दो मैं बहुत थकी होती हूँ और मुझे होता है कि बस अब मैंने सोना है, लेकिन ज़रूर मैं आप लोगों के लिए एक घंटा तो कम से कम निकाल ही पाऊँगी या कोशिश करूँगी मैं निकालूँ। अब आते हैं कमिंग बैक टू द पॉइंट कि भाई अब सरप्राइज़ क्या है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर अचीवमेंट पे आपको कोई ना कोई सरप्राइज़ दे रही होती हूँ। तो जी, अब सरप्राइज़ ये है कि अब से, यानी कि आज जब आप मेरा ये वॉइस नोट सुन रहे हैं, तो आज से ही आपको मेरे चैनल पे अगले एक हफ्ते तक कम से कम, या इससे भी ज़्यादा 10-15 दिनों तक या 20 दिनों तक जितने भी नॉवल्स नज़र आएंगे वो मेरी फेवरेट कलेक्शन में से हैं। अगर मैं आपको थोड़ी सी हिंट दूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी पता है कि आप लोगों को मेरी फेवरेट कलेक्शन ज़्यादा पसंद आती है, क्योंकि टेस्ट इतना बुरा नहीं है मेरा नॉवेल्स की कलेक्शन में। तो फेवरेट कलेक्शन में से अगर मैं आपको एक हिंट दूँ ना, तो एक दो नॉवेल्स मैंने पढ़े हैं अपने चैनल पे अमरीन रियाज के, मुझे अच्छी लगती है उनकी राइटिंग स्किल्स, जैसे कि अना इलियास की अच्छी होती है। लाइक नॉवेल पूरा ही इंगेजिंग होता है, कहीं पर भी कोई लूप होल्स नहीं मुझे नज़र आते, या कहीं पर भी आपको थोड़ी देर के लिए भी बोरिंग नहीं करता। इट डजेंट मीन कि इनके नॉवेल्स बहुत रोमांटिक होते हैं, ऐसा भी नहीं होता, इनके नॉवेल्स एवरेज होते हैं, लेकिन स्टोरी जो है, मतलब एवरेज मतलब रोमांस के सेंस में एवरेज होते हैं, वैसे वाला रोमांस नहीं होता वो जो अन्य वहाँ मचता है, लेकिन स्टोरी बड़ी इंगेजिंग होती है। हाँ, ओबियसली साथ रोमांस का भी टच आता है। तो जिस तरह अना इलियास के सारे नॉवेल्स मेरे चैनल पर मौजूद हैं, बल्कि इसी बात से एक और बात याद आई कि अना इलियास का भी एक बेहद इंटरेस्टिंग नॉवल, कम्प्लीट नॉवल मैंने एक ही बार रिकॉर्ड कर दिया, जो कि 3 आवर्स ये इससे ऊपर का होगा, और वो सारा एक साथ आपको दे दूँगी, आज ही दे दूँगी। चलो पहला तो सरप्राइज़ मैंने डिस्क्लोज भी कर दिया कि वो अना इलियास का नॉवल है, और पहले आपने मेरे वॉइस में वो नहीं सुना हुआ, वो रीसेंट नॉवल है, लेटेस्ट नॉवल है। और जी, दूसरा सरप्राइज़ जो मैंने अभी बोला था, अमरीन रियाज के नॉवल्स मैंने जो 2-3 पढ़े हैं मुझे बड़े पसंद आए हैं अपने चैनल पर, मैंने उनके जितने भी नॉवल्स थे वो सारे मैंने रिकॉर्ड कर दिए हैं, या कर रही हूँ, कुछ इन प्रोसेस हैं, कुछ कर दिए हैं, तो वो आपको बहुत पसंद आएंगे। ये बात बता दूँ, होता ये है जब आप लोग कहते तो मुझे बहुत हो कि लॉन्ग नॉवल्स पढ़ें, लॉन्ग नॉवल्स पढ़ें, लेकिन मैंने जो चीज़ ऑब्ज़र्व की है ना, लॉन्ग नॉवल्स पे आप लोगों की व्यूज़ इतने ज़्यादा नहीं आते, पता नहीं क्यों। तो फिर जबकि अगर मैं कंपेयर करूँ शॉर्ट नॉवल्स पे, तो वो फौरी तौर पे आप लोग सुनने आते हो, व्यूज़ भी आते हैं, अच्छी रीच जाती है वीडियो की।
तो लॉन्ग नॉवेल्स की अगर रिक्वेस्ट करते हो तो फिर साथ के साथ सपोर्ट किया करो ना, ताकि इंकरेजमेंट मिले, साथ के साथ सुना करें इंटरेस्टिंग सीन क्या लगा, क्या पसंद आया, क्या नहीं पसंद आया, तो तनकीद भी कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलाह कर सकते हो। तो ये चीज़ें आपने साथ के साथ करनी है। तो मैं एक चीज़ आपको गाइड कर दूँ कि वो जो मैं अमरीन रियाज के नॉवेल्स लेके आ रही हूँ ना, सारे बेहद इंटरेस्टिंग हैं और वो लॉन्ग नॉवेल्स नहीं हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल कितने के होंगे, या तो एक कम्प्लीट वीडियो में ही पूरा नॉवल मुकम्मल कर दिया मैंने, या फिर दो एपिसोड्स बनेंगे, या बहुत ज़्यादा अगर किसी के हैं तो सिर्फ चार एपिसोड्स बनेंगे। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि साथ के साथ आपने सुनना है, क्योंकि अगर कोई बहुत लॉन्ग भी है ना तो वो चार एपिसोड्स के अंदर अंदर मैंने कंप्लीट कर दिया है। तो ये है जी मेरा सरप्राइज़ आप लोगों के लिए कि मेरी फेवरेट कलेक्शन में से नॉवल्स आ रहे हैं, जो भी हैं आपको बेहद पसंद आएंगे, आई कैन अश्योर यू दैट मच। लेकिन आप लोगों ने साथ के साथ सुनना है, मुझे इनकरेज करना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना है, ठीक है। अब मैंने जितनी भी देर बोला है ना, मैंने चल चल के बोला, क्योंकि मुझे एक बहुत गंदी आदत है अगर मैं नॉवल रीड नहीं कर रही हूँ, बल्कि कभी कभी तो मैं आपको जब नॉवल सुना रही होती हूँ तभी मैं चल चल के पढ़ रही होती हूँ, और कभी मैं बातें अगर कर रही हूँ तो मैं बातें करते करते इतनी को बह जाती हूँ ना बातों में कि मेरी चलने की स्पीड भी बढ़ जाती है, क्योंकि मुझे आदत है, मैंने बचपन से ऐसे ही होता है ना, स्टूडेंट्स अगर पढ़ते हैं, आम बच्चा तो आराम से सुकून से बैठ के पढ़ता है, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी ना खड़े मतलब चल चल के ही पढ़ा है, और लेक्चर डिलीवर करना है तो भी मुझसे टिका नहीं जाता एक जगह, तो मेरी कुछ मसले हैं थोड़े से। बहरहाल थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी, एंड कीप लविंग मी द वे यू डू। और लास्ट में एक आखिरी बात ज़रूर करूँगी, आप में से अभी भी ढेर सारे लिसनर्स ऐसे हैं जो मेरे नॉवल्स को तो सुनते हैं लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ एक छोटी सी या बहुत बड़ी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर मेरे नॉवेल्स को सुनते हो, अगर मेरा काम पसंद आता है, मेरी आवाज़ पसंद आती है, तो मेरी काविश को सराहते हुए चैनल को भी सब्सक्राइब किया करें ना, बिकॉज दैट्स हाउ यू कैन इनकरेज मी एंड दैट्स द ओनली काइंड ऑफ सपोर्ट एंड इनकरेजमेंट विच आई वॉन्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, नेक तमन्नाओं के साथ अल्लाह हाफिज़।